नहीं जाना चाहिदा। महाराज कहिंदे ने ये टोहा बड़ा डूंगा ही, वेखी कित 84 तो बाद गेड़ मिलिया, तैनू धू के अंधेर डूंगाई विच ना लै जावे, बेनती करिया कर, माया छप्पड़ वर्गी है, ये तो निर्लेप भी रहीए ते इहदे विच भी रहीए, कमल वांगू वड्याई भी मिल सके, गंदगी तो भी रहत हो जाइए। अगे महाराज उपदेश करन लगे, विश्राम लाके रहाओ। गुरु साहब सच्चे पातशाह आखन लगे ने, जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। जिन्ना ने अंदर प्राप्त कर लिया परमात्मा, ते महाराज कहिंदे फिर वो बाहर सारिया दे विच क्यों ना भला परमात्मा वेखणगे, क्यों उन्हां नूं बाहर परमात्मा नहीं दिसेगा। जिन्हां ने परमात्मा नूं अंदर तकिया है, सिखा याद रख, उन्हां नूं बाबा कन्हैया जी वांगू कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे, सबना दी परवरिश करदा, सब विच वसिया होया परमात्मा दिसदा है, उन्हां दी नजर है। गरीब गुरबे विच एक समान परमात्मा नू वेखदे ने, तिनकी सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। वैसे ते बाणी कहिंदी है, तुम दाते ठाकुर प्रित पालक, सारिया दे दाते ते पालन हार जे, पर एक खास करके एक खलास तबका विच साडे, जेड़े जीवन दी यात्रा नू गुरमत अनुसार बतीत करन वाले साधु सतपुरश ने ना, जिन्ना ने अंदर वेखिया ते बाहर सबना विच वेख रहे ने, आखन लगे तिनकी सार करे नित साहेब। किसे कोलों लखवाउण दी लोड़ नहीं, फलाना संत है जां साकत है, जे ते तू आप अंदर झात मर, रब पाया ही ते सबना विच वेखदा ते तू पहुंच गया, नहीं तो अज का योग है पांच सत चेले उदा भी रख लई दे भी संत जी कर दे, फिर ये तू ही जानदा भी संत है, पहुंच है, चौंकड़ा है, अवस्था है, जिन्हां दी अवस्था जेडे पहुंचे हुए ने साधु सतपुरश उन्हां बारे कहिंदे ने, तिनकी सार करे नित साहेब, उन्हां नूं पालदा है, उन्हां दी मावां वांगू देखभाल करदा है। ते जिवें मां नूं चिंता हुंदी है ना बच्चे दी, ढिला मठा ना हो जावे, इन्हें अज समय नाल प्रशादा नहीं छकिया, आखन लगे सदा चिंत मन माही। साधुआं लई सदा परमात्मा चिंतित रहिंदा है, हर पक्षों संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी बहु वचन है, साधन संतन साधुआं नूं जे कोई दुख दवे ते रब दुखी हुंदा है, साधुआं नूं कोई सुख दवे ते रब सुख दी प्राप्ति बख्श दिंदा है। मेरे राम राए तू संतां का, संत तेरे तू साधुआं दा है, साधु तेरे ने, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। जेड़े बच्चे नूं मां पले नाल लाउंदी है उहदी दुख सुख विच भाई वाल है, पले दा मतलब ही ये है, पला फड़ा दिता किते विछड़ ना जावे, किते कोई तंगी ना हो जावे। साधुआं नूं पले नाल ला के परमात्मा उन्हां दी सदा परवरिश करदा है। भगतां दी बाणी पढ़िए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास। मैं साधुआं दे बचना दा बज्जा, रब ने आख्या मेरा जीवन साध ने, मैं लोकां दा जीवन है। भगत जी दी बाणी पढ़ियो, नामदेव जी कहिंदे ने, रब कहिंदा मैं साधुआं दे बचना विच बज्जिया, मैं सारी दुनिया दा जीवन आधार है, स्वास बनिया, ते मेरा जीवन मेरे साधु ने,
इनी वड्याई गुरु साहब सच्चे पातशाह बख्शदे ने तेरी ते सिखा इनी चिंता आई भी एक जोगे नाम दा सिंह करदा सेवा सेवा करदा है जोगा सिंह खुतो तिस नामू रह कितक चिर सतगुर धामू गुरां दे कोल सेवा करदा है जोगा सिंह उदा नाम है देश पेशावर तनका वासी पेशावर तो है बड़ा समा हो गया सेवा करदियां नू देख गुरु तेरे लिए किथे चलिया जांदा है गुरु तेरी खातर सिखा तू कलंकत ना होवे तैनू दुख ना लगे तेरिया चिंतावां दी खातर तेरिया चिंतावां नू पूरन लई किथे तक पहुंच करदा है घर वाले आ गए जी विआह करिए इहदा वड्डा हो गया जवानी विच जा रहा है ते महाराज कहिंदे इहनू ही पुछ लो ते गुरु साहब नू जोगा दोवें हाथ जोड़ के बेनती करदा है भाई जोगा आखण लगा बाबा जी जे तुहाडा हुकम है ते करवा लैने जे तुहाडा हुकम नहीं ते सेवा विच ते समा चंगा बतीत हो ही रहा ते महाराज कहिंदे नहीं चलिया जा तू विआह करवा ते जदों साडी मंग आवे जदों साडी चिट्ठी आई हुक्म आया फिर कदम नहीं अगे चलना फिर प्रेम दा नबेड़ा उदों गिहात होवेगा किन्ना क डुब्या तू साडे नाम विच उदों पता लगना जे कदम पुट्टण तू रह धोके मोड़ा नहीं किते इतिहास पढ़ियो कवि संतोख सिंह जी जिक्र करदे ने घर वाले लै गए फेरे होण लगे ने कई वीर ये शंका कर लेंदे जी गुरु ने ते आप ही फेरियां दी मर्यादा बनाई अद चों क्यों डक लिया तर्क ना कर डकण वाली गल नहीं ये प्रेम दर्शाया जा रहा निरा तू ही गुरु लई सिर नहीं वारदा गुरु तेरे लई सरबंस वारदा है हुक्मनामा सिंह ने अगे कर दिता दूजे फेरे लई कदम पुट्टन लगा सिंह ने आख्या जोगा सिंघा डकना ते नहीं चाहिदा पर हुक्म है भी कैसी भी दशा दे विच होवें गुरु साहब ने आख्या सी हुक्म दे दिओ पढ़ के ही अगला कदम रखे दूजा फेरा लैण लगा है चिट्ठी लई है पगड़ उत्ते लिखिया भी जिथे भी है गुरु घर नू चाले पा दे हुण चिंता दे विच है किन्ना क समा लगेगा चौवां फेरिया नू पर एक बने गुरु दा हुकम है ते सिख ओ है सो सिख सखा बंदप है भाई बाणी दे लिहाज नाल गल करा नहीं ते साखी ते किंतु हो जांदा है सिख ओ है सखा ओ है गुर कै भाणे विच आवे सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर कै भाणे विच आवे जेड़ा गुरु दा हुकम मनदा है मन दे पिछे नहीं चलदा सिख ही ओ है अज परख हो रही है जे गुरु चालियां चो पहला अपने वार सकदा ते सिखा तेरी भी परख हो रही है ते बाबा जोगा सिंह ने कदम ना पुटिया अपने मन दी विचार पिता अगे रखी पिता जी आ हुक्म सी मेरे मन दी मंशा मैं हुक्म दी पूर्ति करा मैं फेरे नहीं जे कर सकदा आ मेरा हजूरिया आ मेरा परना लह लिओ ते फेरे कर दिओ कहिंदे नक कटावेंगा हानि होवेगी कहिंदा जदों नचना ही है ते फिर घुंड काहदा है जदों तोरी पए है उस समुंदर दी डुंगाई मापण लई फिर चलां दा डर कहदा पिता जी हुण गुरु दा हुक्म सिर मथे है हुण शर्म हया खत्म है कहिंदे सिख दा जीवन एक सती वाला सती सिस्टम चलदा सी ना पुराने समें विच उदों चलदा सी घर वाले ने मर जाना ते दिल ते पत्थर रख के बीबी ने चिखा विच ही सड़ जाना भी मेरे सिर दा खसम नहीं रहा अपने खसम तो बिना उनू किसे नाल ते मो प्यार नहीं सी मेरा खसम कलगी धर है पिता जी मैं उदे दर ते जाना ही जाना मैं उस समुंदर विच डुबना ही डुबना चाले पा दते हंकार दा किणका मन विच आ गया
और इस किणके ने बड़े बड़े डोबे ने देश दुआबे पुर हुशियार हुशियारपुर पहुंचे आ जे वेसवा दा कोटा तकिया कोठा तक के की वेखदा एक वेसवा पौड़ियां चढ़दी है मन विच विचार चल रही है जोगा सिंघा तेरे वर्गा सिख अज तक बड़िया गुरु लई आपा वारिया बड़िया सिखी नभाई है कोई फेरे छड़ के भी आया होगा बिन बोलिया सब किश जानदा वो अंदर दी जानन वाले कलगी धर समझ गए भी जोगे दे विच अहंकार आ गया भी शायद सिख ही गुरु लई करदा ते मेरे वर्गा सिख नहीं ध्यान गया उस बीबी वल रात पई है सोचिया भी इहदा संग करांगे नव व्याही इस्तरी नूं त्यागण वाला इस मोह जाल विच फस के उड़ीकण लगा भी थोड़ा जिहा हनेरा वध जावे दिसणों हट जावे मैं कोठे ते चढ़ जावां दीन दुनिया दे वाली ने अंदर दी दशा समझ लई जोगा सिंह देख हट रहे हो वो जेड़ा कोठा सी वो जेड़ियां पौड़ियां सिन इम विचार कर श्री जगनाथा कंचन आसा गह कर हाथा जामा बहु पालन को पाए बेसो द्वार खड़ोए जाए सिखा उन्हें जामा वड़ा तार के डांग हथ विच फड़ के ते तेरी खातर किते दाग ना लग जावे वेसवा दे कोठे दियां पौड़ियां ते पहरा दे दिता हुण आप पहुंचे ने जा अपनी नदर दे नाल कोई पहरेदारी पैदा कर दिता मैं फिर जिक्र कर दियां तर्क ना कर कित मुख गुरसा लाहिया करण कारण समरथ चावे ते प्रभ भावे बिन सास ते राखे बाबे दीप सिंह नूं बिना सिर तों लड़ाई जांदा है की नहीं कर सकदा पहरेदार वेख्या जोगा डर गया भी कोई राजा वेसवा दे कोल है डांग वरेगी अंदर नहीं जाना एक घंटा दो घंटे एक घड़ियां दो घड़ियां भी किते ते जावेगा जदों तक दा उदों ही वह पहरेदार नजर आउंदा है डरदा गां नहीं हुंदा सारी रात लंघ गई जेड़ा सदा आसना ते आराम करन वाला सेजां ते आराम करन वाला कलगी तर सिखा तेरे बदले सारी रात पौड़ियां च खलोता है अमृत वेला होया हजे भी नहीं गया जदों ऐन दिन चिट्टा चढ़ आया सूरज हावी हो गया चंद्रमे ते जोगे ने होश आई क्योंकि रात नूं तपश रंगीनी वध जांदी है कहिंदा मूर्खा ये की करन लगा है एडी वड्डी कुर्बानी एडा वड्डा कारा कर लिया गुरु घर लई ते फिर उसे चम ते डुल गया है अखां खुल गईयां तन है कलगी धर आ जिहड़ा पहरेदार ही अज इहने जत सत रख लिया ही नहीं ते मेरे वर्गा सिख मैं समझदा सी कोई नहीं ते मेरे वर्गा गलतान भी कोई नहीं इतिहास विच लभणा सी महाराज कोल पहुंचिया ते जांदियां ही हस पए जांदियां ही जानदे ने ना होया की है रात कहिंदे आ जोगा सिंह आ बड़ी सिखी नभाई नाल उची उची हसदे ने सिंघां ने पुछिया जी की गल है कोई अंदर डूंगा बचन है दसदे नहीं आसा कदा है सारे सिंह घर जांदे ने आउंदे ने ते दीन दुनिया दा वाली आखण लगा आपे नेड़ा है साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे आपे दूर कईयां दे मैं नेड़े अगली पंक्ति विच आवेगा कईयां तो मैं दूर किते मन दी वाशना मैनू दूर समझ के पुठा कर्म करदी है किते मन मैनू नजदीक समझ के बुरे कर्मा तो हट जांदा ए जोगा गुरु घर लई एडी कुर्बानी करके आया ते मैं समझिया किते आखे ना केवल गुरु लई सिख ही करदा ते कोठे ते चढ़न लगा सी ते सिंघो मैनू सारी रात कोठे दियां पौड़ियां च खलोना पै गया सिखा तू एक कदम पुट गुरु तेरा दो पुट दा है
जोगा सिंह दी खातर पौड़ियां विच रहे चरना ते डिग पिया जोगा सिंह ते पता की आखिया आखण लगा नाम देव को छापर छाया तू ओ कलगी तर ओ परमात्मा छन नू लग गई अग ते नामे दी आप बना दिती। जदों भगत नू तंगी आउंदी है तन्ने के बशुरे गनचारे तन्ना कहिंदा मैं थक गया मैं करना आराम मंजा एक है यारी पै गई तेरे नाल ते तैनू ए भी तन्ने ने कह दिता भी बाबा थकिया मैं आराम मैं करना डंगर मेरे चरदे ने जटां दे खेतां विच वड़ के खेत बर्बाद ना कर देन वेखी किते मेरी पैंद वाल आके ना सौ जाई मेरे डंगर चार तू भगतां लई डंगर भी चार दते ते तू ओही परमात्मा जिन्हें मेरी लाज रखी है जिन्हू मेरी सदा ही चिंता है तू ओ परमात्मा है गुरु साहब जिन्हें चोबदार बन के अपने प्यारियां दी लाज रख ली ता गुरु नानक साहब कहिंदे ने तिनकी सार करे नित साहेब अपने प्यारियां दी सार है सदा चिंत मन माही जिवें माइयां बछड़ियां लई चिंता करदियां कलगी तर सिखा ओदा बन जा तेरी चिंता करेगा तेरे सीस ते तलवार चलण तो पहला ओ चौंक विच जाके सीस दे दिंदा है तेरे सीस सिर तलवार चलण तो पहला है साबास पिसर खूब दालेरी से लड़े हो अल्लाह यार खां कहिंदा बच्चे वार के जकारे छड़ी जांदा है उदे दर्दा कूकर बन जा खंडे दा अमृत छकला तेरी सार तेरी चिंता उदी हो जावेगी। ओ कलगी तर सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे वाली गुरु नानक साहब फरमाउन लगे आपे नेड़ा है आपे दूर हे परमात्मा तू किसे दे नेड़े है किसे तो दूर है करमी आपो अपनी के नेड़ा है के दूर कर्मानुसार कईयां दे नेड़े हैं कईयां तो दूर हैं। दसम पातशाह भी कहिंदे ने सब ते दूर सबन ते नेरा सारिआं नालों सूरज चंद्रमे तो भी तू दूर है जे मन विच वाशना है मन विच पड़दा है मन विच पाप है जे मन दे विच वाशना नहीं नितनेम है बंदगी है ते तेरे वर्गा नज़दीक भी कोई संगी नहीं साथी नहीं कोई मदद करन वाला नहीं कई दूर समझदे ने। मैं जपजी साहब नूं उधार बना के चलना गावे को जापै दिसै दूर अर्थ ते कई ने एक सरवण करियो कई तैनू गा रहे ने तू बड़ा दूर है गावे को जापै दिसै दूर दूर समझ के गा रहे ने पर हे परमात्मा कई तैनू सदा हदूर कई तन्नू सदा अंग संग समझ के गाउंदे ने गावे को जापै दिसै दूर गावे को वेकै हादरा हदूर कई तैनू नेड़े वेख के नेड़े तो नेड़े कह रविदास हाथ पै नेरे। आपां एक कहावत सुनी आ रब नेड़े के इक सुन ते आम बंदा कह दिंदा रब दा पता नहीं तू बाचियां ना भन दी इक सुन नेड़े है। रविदास जी कहिंदे हाथ पै नेरा हाथ चुकण लई भी ओदी ताकत ही है ना सत्ता ही है तेरे हाथ नालों भी नेड़े है परमात्मा तेरे विच सवास बन के वसिया होया है नदर दी गल है किसे दी अंदर दी निगाह घट है किसे दी बहुती है किसे दे हिरदे रूपी नेत्र साफ ने कई कबीर वांगू रोज वेखदे ने कईयां नू नदरी नहीं आउंदा किसे दे तू दूर है किसे तो नेड़े है चंगे कर्म करन वाले दे नेड़े है बुरे करन वाले तो दूर है कर्मा अनुसार तू नेड़ता अते दूरी बनाउना है। आखण लगे आपे सर्ब रहिया भरपूर इसे तरह किसे दे नेड़े किसे तो दूर और जोत बन के स्वास बन के भरपूर एक समान हर जगह ते भरपूर किते घट किते वध नहीं तू हर जगह ते एक समान जिवें मैं शुरू विच जिक्र कीता है
ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਤੂਲਾ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਘਰ ਛੱਡਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਛੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਛੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਵਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕ, ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰ ਸਹਿਸਾ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਨੈਣੀ ਲੱਗ ਸਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਪਜੀ ਪੜੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਚ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ, ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ ਪਰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਪਰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲਣਾ, ਸੜਨਾ। ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਲੱਭ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ। ਸੁਖਮਣੀ ਪੜਿਓ, ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈਗਾ ਸੜਦਾ ਰਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਠਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਠਾਰ ਲੈ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਉੱਤਮ ਸੰਗਤ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇ, ਅਮਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਅਮਲੀ ਬਣੋਗੇ, ਜੁਆਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚੋਗੇ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਵਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗੰਮ ਬੋਧ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਦਾਏ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਚੁਕ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ।
विचार गुरु की समझ के हिरदे विच वसा लैनी। दास जिथे समूह संगतां दा धनवादी है उत्थे ही तन 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 श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी की चरण छो प्राप्त गुरद्वारा श्री बंगला साहब जी दे वजीर हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी का तह दिलों धनवादी है। समूह ही कमेटी दे मैंबरां दा सरदार मनजीत सिंह जी जी के भाई मनजिंदर सिंह जी सिरसा सरदार परमजीत सिंह जी भाई जसमीर सिंह जी समूह संगतां दा दास धनवादी है जिन्हां ने संगतां दी सेवा करन दा हुक्म कीता। और एक सिखां दे लई ये खुशखबरी भी जे लम्मे समय